पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब तक आप जी सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, आप कोई भी सदग्रंथ समझ नहीं सकते, किसी भी सदग्रंथ को आप समझ नहीं सकते। जो सृष्टि रचना परमात्मा ने ही बताई, क्योंकि परमात्मा ही बता सकता है अपने द्वारा सृष्टि रची हुई सृष्टि को, अन्य तो तुक्के ला सकते हैं। तो उस परमेश्वर ने आकर 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था उसका विरोध उन नकली गुरुओं ने, स्वार्थी पेट के पुजारियों ने किया, और जनता ने उन झूठों का साथ दिया क्योंकि जनता शिक्षित नहीं थी। तब परमात्मा ने यही सोच रखा था कि कलयुग के अंदर जब मानव समाज शिक्षित होगा उस समय इस मूल ज्ञान को फिर सार्वजनिक करेंगे। अब लगभग 600 वर्ष के बाद अब परमात्मा ने फिर दया करी है, और जो ज्ञान 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था, परमात्मा द्वारा दिया गया, वो मूल ज्ञान, वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध होना था वह होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा गया है कि जो ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित जो वाणी है उसमें बहुत विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों के बारे में कहा गया है, और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि ये ज्ञान जो तत्व ज्ञान है ये गीता ज्ञान से अलग है। गीता ज्ञान दाता जैसा उसको ज्ञान है वो स्वयं बता रहा है, उसमें गीता में लिपिबद्ध है। उसके बाद वो कहता है कि इसके अतिरिक्त कोई और ज्ञान है जिसमें कंप्लीट विस्तार के साथ कहा गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उनके मुख से उच्चारित वाणी में लिखा हुआ, उसको तत्वदर्शी संतों से सुन। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान लिपिबद्ध किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। तो वो नहीं मान रहे थे वो नकली गुरु, वो नकली जो ब्राह्मण थे पेट भरने के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए ही ये प्रचार धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। पुणात्मा में ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा पाने का प्रयत्न कर रहा है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाने। लेकिन वो डुप्लीकेट ब्राह्मण भगवान से जो परिचित नहीं और ब्राह्मण बनकर जो रोजी रोटी के लिए ही प्रयत्न करते हैं, दुनिया को गुमराह करते थे, उनके विषय में कहा है मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण जाति से थे, जो परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वैसे ब्राह्मण नहीं है वो, जैसे कोई वैद्य था, वैद्य अच्छा वैद्य था, डॉक्टर नब्ज देखकर दवाई बीमारी बता देता था, औषधि देता था और स्वस्थ कर देता था। सुप्रसिद्ध वैद्य हुआ, उनके फिर बच्चे थे, उनको भी उसने वैद्य का कार्य सिखाया, वो भी वैद्य थे। उसके बाद फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, वैद्य नहीं थे फिर भी उनके पीछे वैद्य लिखने लग गए, वो स्वयं ही अपने आप को वैद्य लिखने लगे, कृपा राम वैद्य, राम स्वरूप वैद्य।
एक महकमे में क्लर्क था, वो अपने वो कहता था प्यारे लाल वैद्य, और जाना नहीं था पेट के दर्द की दवाई, वो वैद्य उनका सरनेम बन गया। तो ऐसे जो ऋषि थे पहले वशिष्ठ जी और ये भारद्वाज जी, ये मार्कंडे व्यास जी, ये ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उसके बाद फिर उनके वंशज उनके वंशज उनके वंशज आगे चल के वह भी ब्राह्मण कहवाने लग गए। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो अपनी मतलब कोई खेती करता है, कोई सर्विस करता है, कोई मजदूरी करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। अब ओरिजिनल ब्राह्मण तो ये वो होता है जो ब्रह्म ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान है। ब्राह्मण तो हम हैं अब जो परमात्मा को पहचान लिया, और पंडित सोए जो पिंड की जाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, यानी सृष्टि इस शरीर के बारे में समझ है भाई ये कैसा है, कौन है, किसने बनाया है, यानी परमात्मा की तरफ जिसकी विशेष रुचि है विद्वान पुरुष वही होता है। और परंपरागत तरीके से पंडित कहते हैं, जैसे बाद में पंडित की पदवी चल पड़ी, जो काशी विद्यापीठ से एक विषय का आचार्य बन जाता था उसको पंडित कहा करते थे। तो ऐसे पंडित होते हैं, लेकिन ये आम ब्राह्मण नहीं होते। आम जो व्यक्ति हैं उन ब्राह्मणों के विषय में नहीं होता ये जो टिप्पणी हम करते हैं, ये तो उन गुरु रूप में ब्राह्मण जो होते हैं, कोई किसी के कनागत का डह श्राद्ध निकलवावे है, किसी ने जंतर मंत्र बतावे है, वो ब्राह्मण है जो भगवान से दूर है, शास्त्र वो का उनको ज्ञान नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं जनता को, उन ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी, इस ब्राह्मण वर्ण में थे, लेकिन वो संत स्वामी संत कहलाते थे, वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी, मेरे गुरुजी जो हैं ये पैतावास गांव है दादरी के पास, दादरी भिवानी रोड हरियाणा में, बड़ा पैतावास के रहने वाले थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन स्वयं को ब्राह्मण नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी, वो दिल्ली में छावला गांव के जाट थे, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से वो चार विषय के आचार्य बन गए थे, वो पंडित कहलाते थे, पंडित चिदानंद, चिदानंद जी उनका नाम था, और सोनीपत जिले में खरखोदा तहसील के पास एक गोपालपुर गांव है, उस गोपालपुर गांव में हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है, उसमें लिखा हुआ है पंडित चिदानंद जी महाराज। तो पुण्यात्माओं यहां डिफाइन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है, ये ज्ञानहीन लोग आज भी जीवित हैं, और ये जनता का, इनका उद्देश्य जनता को भड़काना भ्रमित करना ही होता है, इनको जनता के हित से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये दास ये प्रयत्न करता है कि जहां तक हो सके किसी कोई मिसगाइड हमारे समाज को ना कर सके, इसलिए हर समय समय पर एग्जाम्पल कोड करता रहता है। तो इस प्रकार ये नकली ब्राह्मण थे, उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचानने दिया, और कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आए थे, और उन्होंने ये मूल ज्ञान समझाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता भी हैं। तो उस समय नकली ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया और करवाया था, परमात्मा को बहुत परेशान किया था, कभी कुएं में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी थी परमात्मा, फिर बाहर पाए थे, सरसों के तेल के में लकड़ियों से उबलवा कर अग्नि से, बहुत उबलते हुए कढ़ाई में तेल में डालकर मारना चाहा था, मालिक मरे नहीं,
क्योंकि वो अजर व अमर है, अविनाशी है। और सोते हुए थे अपनी झोपड़ी में, तीन चार गुंडों को लेकर, एक शेख तकी नाम का मुसलमान जो गुरु था सिकंदर लोदी का, वो मारने के लिए गया था, परमात्मा कटे नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। दो सेकंड के बाद तुरंत खड़े हो गए। और भी बहुत सी यातनाएं बालिक को दी थी, जमुना में गंगा में डुबोने की चेष्टा की थी, लेकिन सब विफल रही, क्योंकि वो परमात्मा थे, परमेश्वर है, आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो उसमें परमात्मा यही बताया करते थे कि ये तुम्हें गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं तुम्हारे गुरु ब्राह्मण, और मुसलमानों को कहा करते थे कि ये काजी और पंडित, ये पीर काजर और ये पीर, ये मुल्ला, ये यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, ये तुमसे पाप करवाते हैं, ये बकरीद ईद मनवा के, ईद बकरीद के पाप कौन सा होता है, वहां जो जीव हिंसा की जाती है वो पाप। और इसी सच्चाई से वो दुखी होकर के हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण और मुसलमानों के गुरु पीर, ये काजी और मुल्ला सब परमात्मा के शत्रु बन गए थे। तो परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास अभी इस मूल ज्ञान को लिपिबद्ध कर ले, आगे काम आवेगा, जब बिजली पीढ़ी होगी, शिक्षित समाज होगा, उस समय इस ज्ञान को हम सार्वजनिक करेंगे। अपुणात्माओं, उस समय यह ज्ञान लिपिबद्ध ना किया हुआ होता तो आज हम पहचान नहीं सकते अपने परमात्मा को। आज वही ज्ञान इन सदग्रंथों में विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले यही बोला था, जो आज सत्य सिद्ध हुआ। सत्य तो उस दिन भी था, लेकिन झूठे लोगों ने उस सत्य को हमारे हृदय में उतरने नहीं दिया। ये देखिएगा, प्रमाण देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक हैं एम ए मुद्रक, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। थोड़ा सा दिखाते हैं, 123 पृष्ठ पर, 3 स्कंद, श्री संक्षिप्त देवी भागवत। भगवान शंकर जी अपनी माता दुर्गा के विषय में बता रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और अपनी सतीथि भी बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, हम नाशवान हैं। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं,
ये गीता जी में काम आओगे आपके, जहां ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति गीता में भी प्रमाणित की जाएगी कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सचिची और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, आपका बहुत सौभाग्य है, आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का बहुत अधिक संग्रह है, जिस कारण से आप जी को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। ये पुण्यात्माएं ना जाने कहां कहां से आई हैं, कोई दूसरे देशों से आई हैं, कोई दूसरे राज्यों से आई हैं, कुछ इसी प्रांत हरियाणा से आई है। परमात्मा की प्यारी आत्माएं सत्संग के अंदर आया करती हैं। मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, जिस संतान संपत्ति को हम बहुत इच्छा से चाह रहे हैं, ये तो कहते हैं प्रत्येक जन्म में कुत्ते बनोगे वहां भी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे उनमें भी इतना ही प्यार होगा जैसी ममता यहाँ आज आपकी है। गधे की योनि में जाओगे वहां भी माँ बाप मिल जाएंगे, पशु पक्षी की योनि में जाओगे वहां भी आपको माँ बाप मिल जाएंगे। और ना माँ बाप रहेंगे ना तुम रहोगे, एक दिन सबको काल खा जाएगा। तो परमेश्वर याद दिलाते हैं कि जिन संपत्ति के और माँ बाप के चक्कर में, संतान के चक्कर में तुम भगवान की तरफ नहीं लगते, तो बताते हैं मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ और ये सतगुरु सेवा और यह भक्ति भाई फिर मिलन की ना। इसके लिए हमने परमात्मा की साधना करनी पड़ेगी और पुण्यात्मा ही सत्संग माया करते हैं। अरबों खरबों प्राणी है इस पृथ्वी पर, अब उनमें से कुछ एक पुण्यात्मा इस मालिक के चरणों में आ पाई है और आ रही है, तो आपके पुण्य कर्मों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तुम कितने पुण्य प्राणी हो। अब कहते हैं शुभ कर्म करने के लिए समय भी लगाना होता है, पैसा भी लगता है। जैसे हम अपने बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं, बेटा या बेटी को, तो हम उसको फ्री कर देते हैं कि बच्चों तुम पढ़ो और कितना ही खर्च हो हम पूरा डट कर करते हैं, धैर्य से करते हैं, उमंग से करते हैं। और 15-16 वर्ष तक उस बच्चे से ना कोई हम एक्स्ट्रा कोई काम लेते हैं, कति फ्री छोड़ देते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। 14-16 वर्ष में बच्चा अपने पेट के लिए कमाने के योग्य बन पाता है, और पुण्यात्मा और परमात्मा पाने के लिए जो इतना हमारे को सुख होगा उसके लिए हमारे पास समय नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, उधर खर्च करने की मूड नहीं। तो परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभे,
ओ सा प्यास न भागे ही जब लग धसे नहीं आबे। ठीक है, कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, जिनको जिन्होंने जितनी भी परमात्मा की भक्ति साधना धर्म पुण्य किए उनको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। जैसे हम पहले तत्व ज्ञान के अभाव में क्या साधना करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, मंगलवार का व्रत रखा करते, और मंगलवार को यानी सातवें दिन 100 रुपये की बूंदी बांट दिया करते थे, इसको धर्म मानते थे। अब कहते हैं ओस के चाटन ते प्यास नहीं बुझ सकती, ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीणते, गट गट गिलास के गिलास पीवांगे तब प्यास बुझेगी। तो जो अन्य साधनाएं हम करते थे, साल भर में एक बार श्राद्ध निकलवा दिया, एक ब्राह्मण जमा दिया, मंगलवार ना प्रसाद बांट दिया, और कोई छोटा मोटा धर्म अनुष्ठान कर भी लेते थे, वो तो ओस चाट रहे थे हम, और अब ये गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे। आत्मा युगों युगों की भूखी है, जब आपको ज्ञान समझ में आएगा आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ जाएगी कि आप डटे नहीं डट सकते, दान भी करोगे सत्संग भी सुनोगे, जब आपके आत्मा से ये पाप का बुखार पाप का जवर कम हो जाएगा। अब परमात्मा बताते हैं कि जो जन जाकी शरण है ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। अब जो भी जैसे जिसकी इष्ट की साधना करते हैं, अब कोई भैरव भूत की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई इन देवताओं की पूजा करता है, ब्रह्मा विष्णु विष्णु और शिव जी की, कोई ब्रह्म की पूजा करता है, ब्रह्म कौन है ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और यही हमारे को यहां रोके बैठा है। ब्रह्म का की साधना का मंत्र ओम नाम है, ओम मंत्र है, और यज्ञ हवन आदि वेदों में वर्णित हैं। इसी साधना से कहां जाते हैं, ओम नाम के जाप से ये प्राणी और धर्म यज्ञ करके ये प्राणी ब्रह्म लोक में चला जाता है। ब्रह्म लोक में जाने के उपरांत भी इसको फिर अपने पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वापस मृत लोक में आना पड़ता है। जो विष्णु जी की साधना करते हैं वो विष्णु लोक में चले जाते हैं। अब विष्णु जी की साधना का भी इनको पता नहीं, ये पंत्र भी यथार्थ ये दास आपको बताएगा जो परमात्मा ने बताया हुआ है। तो विष्णु लोक में चला जाएगा, अपने पुण्यों के समाप्त होने पर वापस फिर मृत लोक में आएगा। जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं उस मंत्र के जाप से उनकी साधना करने से शिव के लोक में चला जाएगा, अपने पुण्यों की समाप्ति के उपरांत वो फिर वापस मृत लोक में आएगा, यानी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इस प्रकार हम यथार्थ साधना ना करके जो साधना हम ये करते रहे इनकी साधनाओं से हम उन्हीं भगवानों के लोक में पहुंचते रहे फिर वापस आते रहे, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर नहीं हो पाए। अपुण्य आत्माओं काफी भक्ति संशय में रहते हैं, शंका में रहते हैं कि अभी सत्संग सुनते हैं, महाराज जी कह रहे होते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, गीता में प्रमाण भी देते हैं कि तीनों गुणों की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए
मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। ब्रह्म बोलता है गीता ज्ञानदाता कह रहा है सातवें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी। और यहां आकर देखते हैं तो सबसे पहले मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश आदि के ही दिए जाते हैं। तो भोली आत्माएं, क्योंकि ज्ञानहीन तो हम हैं ही और आप तो पहली क्लास के बालक भी कोई ना, जो अन्य संतों के पास गए हुए हो उनको कुछ कहखे का भी नहीं पता भक्ति मार्ग का, और उस ज्ञान के आधार पर आप इस यथार्थ ज्ञान को भी रिजेक्ट करने की चेष्टा करते हो अपने पैमान्यता, और आपके पास कोई पैमाना है ही नहीं। अपुरात्माओं इन मंत्रों को, जो मंत्र इनको दीन के दिए जाते हैं देवताओं के ब्रह्मा विष्णु में, इसके ये इनकी पूजा नहीं है। आपने देखा होगा माल तोड़ नाले, ये मधु मक्खी जो मधु निकालते हैं मधुमक्खी के छत्ते से, उसने महल बोले महल, तो उस महल को से शहद निकालने वाले क्या करते हैं, एक पहले तो ये थोथा बांस होता ना, बांस लंबा चौड़ा, इसको आर पार गर्म सरिये कर करके थोथा कर लेते थे, ओलो कर लेते थे, बिल्कुल पाइप बना लेते थे। और आजकल ये प्लास्टिक पाइप होगी लंबी लंबी आध इंच की। तो हमने देखा एक बार एक महल तोड़ने वाला, उसने उस छत्ते में वो एक बांस ले रखो थी, वो ले रहा था एक पाइप सी लकड़ी की आर पार बना रखी थी, और वो उसमें छत्ते में गोदी उसके अंदर फंसा दी, मक्खियां एक तरफ हट गई और उस शहद उसमें से निकल कर उसकी बाल्टी में आने लग गया, अर्थात उसने उससे शहद निकाल लिया, छत्ता जो का तो छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं ये जो मंत्र आपको दिए जाते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश जो दुर्गा गणेश ये देवता हैं, हम यहां इनके लोक में रह रहे हैं और इनसे ये लाभ इस मंत्र से मिलेगा ये अवश्य देंगे। ये तो ये उदाहरण समझ लो कि ये वो इनका पाइप ला रखी है और यहां रहेंगे तो हमने इनसे लाभ लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम यहां। अब जैसे बिजली महकमे से आपने कनेक्शन ले रखा है और उसका आप टैक्स भरते हो बिल भरते हो, तो बिजली महकमे की पूजा नहीं कर रहे आप उससे जो लाभ ले रहे हो उसका वो टैक्स दे रहे हो, बिल दे रहे हो, और ना भरोगे तो वो कनेक्शन काट देंगे। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमें यहां सुविधा देंगे, इन्हीं से हमें लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा उनको जो सत साधना करते हैं। आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कई बार दिखाया आपको, ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो पुण्यात्माओं हम पूजा तो जैसे मूल जो है जड़, मूल बोलते हैं जड़ को, पौधे की पेड़ की जड़ जो होती है वो मूल वो जमीन के अंदर होती है, और जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी कहते हैं, और ये सात शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन एक वृक्ष के उदाहरण से
इसको समझना आसान है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन कहते हैं इस काल ने, ब्रह्म ने, सर ब्रह्म ने सर पुरुष को, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, निरंजन को ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसको सर पुरुष, सर 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 पुरुष, सर ब्रह्म, और ब्रह्म सीधा ब्रह्म भी बोलते हैं। ये उस पेड़ की डार है और तना है ये अक्षर पुरुष, और तने से ऊपर मोटी शाखाएं जो मोटी डार होती हैं, उनमें से एक डार समझो ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और उसके तीनों देवा शाखा हैं उस डार के, फिर आगे तीन शाखाएं हों, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा है, और पात रूप संसार, अब जो भोली आत्माएं ये भी समझती हैं, क्योंकि एक तो ये मन में शंका आई उन व्यक्तियों के जो ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ये सुन चुके हैं कि इनकी पूजा नहीं करनी, तो उनको शंका ये होगी कि नाम इनके दे दिया ते मंत्र, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा पर आसक्त हैं वो इन्हें उलाना देते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं। अब काल ने एक समस्या नहीं, हमारी जान में कई समस्या पैदा कर रखी है, पर परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने सभी का समाधान बहुत ही परिपूर्ण दिया है, कंप्लीट दिया है, जिस कारण से बुद्धिमान आत्माएं, बुद्धिजीवी समाज बहुत आसानी से समझ रहा है और ग्रहण कर रहा है। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लाए, उसको कैसे बीजा जाता है, उसका बीजने की प्रॉपर वे कौन सा है, कि जड़ को हम गड्ढा खोद कर गड्ढा बनाएंगे जिसमें पानी, सिंचाई के लिए पानी डाला जा सके, पानी रुक सके, ऐसा गड्ढा बना खोदकर उसमें उस पौधे को जड़ की तरफ से उसमें रोपेंगे और उस जड़ की सिंचाई करना शुरू करेंगे। सिंचाई माने पूजा, सेवा माने पूजा। जड़ की पूजा शुरू करेंगे तो पेड़ बनेगा वो पौधा, और पेड़ बनने के बाद फिर टहनियां जो शाखा हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूप शाखा है, इन शाखाओं के फिर फल लगेंगे, ये शाखाएं हमें फल देंगी, ये शाखाएं फल तब देंगी जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे। शास्त्र में केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ही विधान है, सदग्रंथों में, वेदों और गीता जी में और सूक्ष्म वेद में, तो हम मूल की पूजा करेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो वो हमारा जो शुभ संस्कार बनके ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएगा, और ये यहाँ के प्रबंधक हैं, ये हमें फिर बिन मांगे फल देंगे, हमारा वर्क डन ये देंगे, ये जैसा कर्म हम करते हैं पुण्य भी यही देंगे, पापों की सजा भी यही देंगे, ये हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, इनसे दूर नहीं हो सकते, लेकिन हमने अपनी वे ऑफ वर्शिप चेंज करनी। हम कैसे करते रहे, परमात्मा कहते थे एक साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फूले अगाए। हम करना चाहिए कैसे और कर क्या रहे हैं ये देखिएगा, ये है पौधा लगाने का एक प्रॉपर वे, पौधा आरोपण करने का ये सीधा तरीका है, श्रेष्ठ तरीका है, कि जड़ की तरफ से हम गमले या गड्ढे में लगाएं, ये तो समझाने के लिए बता रखा है गमला नहीं तो गड्ढे में लगाएं, और गड्ढे इस जड़ की पूजा करें, सिंचाई करें, तो ये पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, फिर इन ब्रह्मा विष्णु कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है तना, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, ये ज्योति निरंजन मोटी डार है,
ये ब्रह्म है। ब्रह्म के आगे तीन शाखाएं हैं, उसके तीन पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई, पात रूप संसार। अपने आत्मा अब ऐसा कौन अनजान होगा, नू कह ब्रह्मा विष्णु महेश ने छोड़ दो, यानी शाखाओं को तोड़ के फेंक दो, नहीं, ये हमारे इस संसार में हमारे अभिन्न अंग हैं, ये भी हमारे स्वामी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, लेकिन ये एक विभाग के और किए हुए कर्म का फल देने वाले ही साहब हैं। और शुभ संस्कार बनते हैं मूल मालिक की पूजा करने से, जड़ की पूजा करने से, कुल मालिक की पूजा करने से। जैसे अब हम आप जी क्या कर रहे थे, हम सभी ये कर रहे थे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शाखाओं की पूजा कर रहे थे, इनको मिट्टी में गमले में डाल करके इनकी सेवा शुरू कर रखी थी और जड़ की पूजा छोड़ दी, ऊपर कर दिया अलग से। हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख गया, जिस कारण से हमें कोई लाभ मिला नहीं, चोर बन गए, लुटेरे बन गए, टेंशन खत्म करने के लिए शराब और नशीली वस्तुएं प्रयोग करने लगे। जब हम ऐसे साधना करेंगे, दास की यही एक प्रार्थना है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती। तो जो ऐसी साधना ना करके ये साधना करते हैं, ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं की हम पूजा करते थे, मूल मालिक की पूजा की नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिला। अब परमात्मा क्या कहते हैं, एक कैसा दे सब सदै, इस एक की साधना करने से ये सब सद जाएंगे, सब हमारे साथ हो जाएंगे। एक कैसा दे सब सदै, सब साधे सब जावे, इनके सबके इन देवताओं की पूजा करने से सब विनाश हो जाता, भक्ति का जीवन का, मनुष्य जीवन का। माली सिंचै मूल को, बुद्धिमान व्यक्ति जो सही को जानता है, जो समझदार व्यक्ति है, पौधा बीजने का जो एक्सपीरियंस अनुभव है जिसको, वो तो मूल को सींचेगा, सही साधना करेगा और फिर फल फूल आएगा, यानी खूब डट कर फल फूल लगा वो पौधा, जो शास्त्र अनुकूल साधना की जाएगी तो उस भक्ति की, उसकी भक्ति भी ऐसे ही फूल फल फूल लगी। तो अब क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और परमात्मा कहते हैं एक कैसा दे सब सदै, और सब साधे एक कैसा दे सब सदै, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूलेगा, तो इन टहनिया का फल लगेंगे। तो इस प्रकार हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना का विरोधी नहीं है, हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो फिर भक्ति का कोई फायदा नहीं है, तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। अपने आत्मा हमने किसकी पूजा करनी है, जैसे कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताते हैं, उधर से कहते हैं कि हम पूजा उनकी नहीं करनी चाहिए, ये आपको बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं है, पूजा तो हम पूर्ण परमात्मा की करते हैं, पर पूर्ण परमात्मा से बने हुए संस्कार फिर इनके पास जाते हैं हमारे, और फिर इनके सत्र का जो लाभ है हमने इनसे लेना पड़ेगा, इनका टैक्स दे करके, ये समझ लीजिए। जैसे टेलीफोन विभाग से कोई कनेक्शन ले रखा है तो उनका टैक्स देना उनकी पूजा नहीं है, उनका बिल भर देना उनकी पूजा नहीं है, लेकिन शिष्टाचार विनम्रता, उनसे बोलचाल में व्यवहार में शिष्टता, ये अवश्य हमारा कर्तव्य बनता है। तो ऐसे ही ये हमारे साहब हैं, तीन लोग के मालिक हैं, हम नागरिक हैं।
तो एक व्यक्ति किसी भी अधिकारी के पास जाता है तो प्रणाम करना एक अति आवश्यक है, शिष्टाचार है। वो उसकी पूजा नहीं कर रहा, सत्कार कर रहा है और उसे लाभ जो राजा ने उसको अधिकार दे रखा है कुछ, तो वो लाभ भले ही हम राजा के मित्र हैं तो भी वो उस सत्र का लाभ उसी से प्राप्त करना होगा, अधिकारी से ही। ऐसे ही हम भले ही परमात्मा कबीर जी के उपासक हैं लेकिन यह संसार में रह रहे हैं, लाभ लेने के लिए हमने ब्रह्मा विष्णु महेश के से ही लाभ लेना पड़ेगा क्योंकि वो यहां के अधिकारी हैं। इसलिए इनके ये मंत्र, ये यथार्थ मंत्र हैं जो जिनसे ये लाभ दे सकते हैं। अब जैसे आप कुत्ता है, कुत्ते को कहो कुत्ते 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 ना बोल देखे वो, और उसका एक विशेष नाम रखा होता है मोती, तो वो विशेष नाम अड़ा तो मोती तो बोल जा, बाकी कुत्ता और नहीं देखता, तो उसको एक उसकी एक कोड वर्ड है तो करते हैं सारे कुत्ते नु देखेंगे और भाग्य आओगे जैसे। तो ये जो मंत्र हैं, ये समझ लो जो ये मंत्र यथार्थ मंत्र हैं, इन भगवानों को किन्नो कान खड़े कर देते हैं और फिर ये आकर्षित होते हैं हमारी तरफ, ध्यान देते हैं ये क्या क्या मांग रहा है, क्या आवश्यकता है इसको। तो ये यथार्थ मंत्र परमात्मा की तरफ से दिए गए हैं और परमात्मा की तरफ से समझ लो जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाते हो और MLA की पर्ची ले रखी है, मिनिस्टर की या मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की, तो इन्हों सोच ले वह पर्ची है, वो चिट, उस चिट को देखते ही वो अधिकारी कुर्सी पर बिठा होगा, चाय पिया होगा और 2 मिनट में काम करके और आदर से आपको विदा करेगा। तो ये मंत्र जो हैं परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हैं कि इनको इनसे लाभ देंगे ये तुम्हारे को। तो ये परमेश्वर कबीर जी की दी हुई पर्ची समझ लो यार, जिसे तुरंत लाभ देते हैं। तो इस प्रकार हमने अपनी साधना को सुचारू करना है और मोक्ष प्राप्त करना है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब किस तरह राम की, कौन से राम की भक्ति करें और किस प्रकार करें, कौन सा मंत्र है? यहां परमात्मा ने कहा कि राम नाम रटते रहो। कबीर साहब ने अपनी महिमा आप बताई कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण और कदे तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। अब परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें बताया है कि तुम परमात्मा की भक्ति करो। अब कौन से राम की, यहां राम यानी परमात्मा की डेफिनेशन बताना, परिभाषा बताना आवश्यक हो गया थोड़ी सी। राम किसे कहते हैं? गॉड कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा, भगवान कहो, परमात्मा कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द हैं। जैसे साहब कहो, हम कबीर साहब बोलते हैं, साहब कहो, पुरुष कहो, प्रभु कहो, तो कबीर प्रभु कहो चाहे कबीर साहब कहो। साहब माने स्वामी, मालिक। अब जैसे किसी महकमे में जाइए आप, जैसे तहसीलदार साहब हैं, फिर उनके में काफी हो, रजिस्ट्रार साहब, SDM साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब हैं, और फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब,
ये सभी साब कहलाते हैं। लेकिन इन साबों की शक्ति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार तीन लोक के राम प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभागीय मंत्री है एक ब्रह्मांड में, और इनका पिता ब्रह्म यहां का मुख्यमंत्री समझ लो एक ब्रह्मांड का। वैसे तो उसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड है, पर यह रोल स्वयं ही प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का करता है। तो ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम है, ब्रह्म भी राम है, ज्योति निरंजन काल भी राम है, और सात संग ब्रह्मांड का स्वामी जो परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, जिसको संसार रूपी वृक्ष का तना बताया है, वो भी साहब है, वो भी राम है, वो सात संख ब्रह्मांड का नील पदम संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहब भी प्रभु हैं, स्वामी हैं, ये ओवर ऑल कंट्रोलर कुल मालिक हैं। इस काल के ऊपर भी इनकी प्रभुता और ब्रह्म के और परब्रह्म के ऊपर भी इनकी प्रभुता, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ओवरऑल कंट्रोलर साहब कबीर साहब हैं, कबीर राम हैं। तो यहां बताया कि राम नाम रटते रहो, अब कौन से राम का, एक कैसा दे सब सदे सब साधे सब जावे माली सुचिच मूल को फिर फले फूले गाय। तो उस एक राम का, एक राम की पूजा करने से सब पूजाएं उसी में आ जाती हैं। तो उस राम के गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम का अर्थ है जो सदा रहने वाला अविनाशी अमर लोक, सतलोक, सच्चा लोक जो कभी नष्ट ना हो, उसको प्राप्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो मेरे सतर की सभी जो साधनाएं तूने की हैं मुझे दे जा वो टैक्स, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा, मेरा कर्जा उतार दे। ओम नाम के जाप की साधना हम इस काल को दे देंगे। हम जो प्रथम मंत्र आपको देते हैं वो प्रथम मंत्र के जो कमाई है, साधना है, उसकी मजदूरी है, वो तो आपकी यहां रहोगे तब तक काम देगी। जब आगे चलेंगे सतलोक चलेंगे तो तीन मंत्र का जो जाप आपको दिया गया है जिनको तीनों नाम प्राप्त हो गए हैं, तो उनमें से प्रथम मंत्र है ओम। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ। उस ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम तत् सत, ये तीन मंत्र का जाप है और तीन विधि से इसकी इसका सिमरण होता है। इसको तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछने के बाद उससे विधि प्राप्त करके इसकी साधना तीन मंत्र के अभ्यास से, इस तीन मंत्र की मजदूरी से तू पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा। तो ओम मंत्र जो इसमें यह ब्रह्म का है जो गीता ज्ञान दे रहा है काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा जो नाम लेता है उसको दिया जाता है। तो उसमें दूसरा मंत्र है वो परब्रह्म का है, तत् मंत्र सांकेतिक है ये, और सत ये सार नाम की तरफ संकेत है, तो वो पूर्ण ब्रह्म का है। इन तीनों की मजदूरी करने से हमें वो धन संग्रह होगा, उस भक्ति की शक्ति बनेगी, और भक्ति की शक्ति से ही हम सतलोक जा सकेंगे। तो यहां बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि अर्जुन सर्व
सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व मोक्षामि मासुच। सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की, मेरे लेवल की जितनी भी तूने पूजाएं की हैं वो मुझ में छोड़। माम माने मुझ में, मेरे में। परित्यज माने त्याग, सर्वधर्मान माने धार्मिक अनुष्ठान की भक्ति कमाई। सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की सब पूजाएं धार्मिक क्रियाएं मेरे में छोड़ के एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय यानी कुल मालिक, कुल का मालिक एक, उसकी शरण में जा। व्रज माने जा, व्रज माने जाना होता है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज अर्थ का, व्रज का अर्थ गलत कर रखा है, जाना ना करके उन्होंने आना लिख रखा है। यहां सारी गीता घुमा दी, यहां से सारा ही अर्थ चेंज हो गया, भाव ही बदल गया पूरी गीता जी का। गीता ज्ञानदाता ये थोड़ा कहेगा मेरी शरण में, उसकी शरण में तो खड़ा ही है और उसकी पूजाओं को छोड़ के फिर जाएगा, उसको देकर फिर शरण में किया होगा, तो पहले ही उसकी पूजा कर ही रहा है। तो यहां कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सत्र की सब पूजाओं को छोड़कर उस एक अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता है। फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे। यानी हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम की कमाई करते थे, जाप करते थे, इससे आगे को मंत्र ज्ञान नहीं था। ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप, साथ में ब्रह्मा जी से प्राप्त हठ योग साधना से तप, ये दोनों क्रिया करके और ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक में जाके अपने पुनों की वहां पर सारे आनंद ठाठ बाठ करके खत्म करके वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे, ओम नाम की कमाई का कोई बेनिफिट नहीं लेंगे इससे। इसके ओम नाम की कमाई ये यज्ञ हवन जो करते हैं इस काल को दे देंगे। अब पकड़ तेरे सारे इस डमडमे ने और हमें मुक्त कर रहे से। और फिर जो दूसरा मंत्र है ओम और एक दूसरा तत्व सांकेतिक, ये सतनाम बन जाता है दो मंत्र का। इस दूसरे मंत्र की तत्व जो मंत्र है गुप्त है वो, उसकी कमाई हम परब्रह्म को देंगे। जब इसके 21 ब्रह्मांडों को पार करेंगे वो टैक्स होगा इसका, इसके लोक से जाने का, तब ये हमें जाने देगा। और तीसरा जो सारनाम है आपको 27 स्थान उस सतलोक में प्राप्त कराओगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनकी न तो कोई गति होती है, ना कोई सुख होता है, ना कोई उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अर्थात यूजलेस। अब शास्त्र विधि को मनमान आचरण कौन कौन सा है? कंठी माला सुमरणी ये सब है सिलसिला मीट, कनफूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या होवे, ऊपर डूंडा साध का तन अंतर रख्या खोए। अपने आत्मा यहां पर क्या बताया है कि कंठी माला सुमरणी इन सभी ने भूल, क्योंकि ये पाखंड कितना बढ़ा दिया इन लोगों ने। पहले क्या होता था, पहले आप देखते हो सतयुग त्रेता द्वापर तक कोई ये कुर्ते पजामे नहीं समाया करता, सब धोती बांधा करते, यानी एक चद्दर ही बांध लेते थे शरीर पर और एक चद्दर को ही ओढ़ लेते थे, बस इतना था। तो भक्ति करते थे, उनमें जेब नहीं हुआ करती थी,
तो वो क्या करते थे, माला को गले में डाल लेते थे, काम करने जाते या फ्रेश होने जाते, जैसे भी कार्य करते, और जब फ्री हो जाते तो माला लेट कर बैठ कर जैसे भी उनको बता रखा था वो साधना किया करते थे। तो गले में माला का प्रतीक होता था कि भक्त है, संत है। और ये भी एक विशेष वो होती है, विधान है प्रभु का कि साधु संत भक्त को खाना खिलाने से उस खिलाने वाले को पुण्य मिलता है, संत को भोजन कराने से। तो ये जो भक्ति नहीं करते थे, हमारे को ऐसे बिगाड़ दिया, जो साधना नहीं करते थे, वो माला जिसके गले में हो उसने बुला कर प्रार्थना करके लाते और रोटी खिलाते, भोजन खिलाते, सेवा करते, चलते हम 10 रुपये दे, 2 रुपये दे देते। पुणात्मा ये एक तरीका गलत था, लेकिन यह उदाहरण देना पड़ रहा है तो यह बात क्यों कर बिगड़ी। तो ऐसे चलती रही यह कहानी। फिर क्या हुआ कि जो पाखंडी लोग थे वो भी गले में माला डालन लग गए, कंठी गले में माला डालन लग गए। तो उसको भी आदमी देखकर उन्होंने इतना आइडिया ला लिया, जो माला डाल रखा है, आम जनता ने ये सोच लिया जो माला गले में डाल रखी है ये भक्त है, संत है, उसको भी शेष आदर से भोजन कराते, बढ़िया कपड़े बिछा कर बैठाते, चलते समय 10 रुपये 2 रुपये दे देते। इस तरह फिर ये पाखंडी लोगों ने गल में कोई एक माला पहन रहा, किसी ने दो दो डालनी शुरू कर दी, कोई तीन तीन पहन ले, चार चार पहन पढ़ने लग गया। तो वो भोली जनता जो ज्ञानहीन कर दी इन अज्ञानियों ने, तो उनके मन में और घनी श्रद्धा होगी, जिसने दो माला डाल रखी बड़ा भगत, जिसने चार डाल रखी उन्हें सोची तो कसूता भगत, उनको और विशेष आदर देने लग गए। फिर तलक तलक लान लग गए माथे पर, सो फंड करने लगे, कोई जटा रखा ले, कोई कुछ करा ले। तो ये तरीका जो था शुरुआत में था, वैसे तो वो भी गलत था। हम आप भक्ति करें नहीं और दूसरे के भिखारी बने कि इसको रोटी खुआ जब हमें लाभ मिले, कितना मिल सकता है। और एक हम भी भक्ति करें तो हमें एक जिस भक्ति से उसको लाभ मिला, और वही हम करें, हम स्वयं धनवान बनेंगे राम नाम का, हम भिखारी नहीं रहेंगे, अन्य के आश्रित नहीं रहे। तो वो तरीका ये है जो अब दास बता रहा है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।